हस्बैंड जय भगवान। गुड इवनिंग। प्रार्थना शुरू करेंगे, सब लोग हाथ जोड़ेंगे। गुड आफ्टरनून सबको। सभी लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। ट्रिगर, आपका कब कब ट्रिगर दबता है और आप सामने वाले का ट्रिगर कब दबा देते हैं। तो सब लोग ने कुछ 24 घंटे में 48 आवर्स में कुछ याद आया क्या? मैं पूछूंगा नहीं, आप चिंता मत करो, नहीं तो सोच में पड़ जाएंगे सबके सामने क्या बोलना। बहुत लोगों को डर लगता है कि पूछ लेंगे अभी। ठीक है, पॉइंट मेरा ये है कि महेश भाई ने चक्र ध्यान कराया, उसके बाद आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान कराया। ये कैमरा है ना, ये कैमरा है, लेकिन ये कैमरा क्या काम करता है? सामने वाले को देखता है ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो महेश भाई कहते हैं कि ऊपर लेके जाओ कैमरा, और वो कैमरा फोकस अपने पे कर लो। अभी कैमरा क्या, कैमरे में सामने वाले का दिखता है, वो कैमरे में आग्नेय चक्र का कैमरा ऊपर लगा दो और वो पूरा अपने दिखना मांगता है। बोलो महेश भाई। कैमरा मत यूज करो, कैमरा को मिरर बना दो। मिरर मिरर बना दो, अरिसो बनाई ना वो अरिसो, तो अपने तरफ ज्यादा देखना है। तो कोई भी सिचुएशन में, कोई भी डिस्टिंक्शन में, कोई भी जगह पे, ये हमारे पे हम देखेंगे तो हर एक रास्ता मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। जब हम बदली करेंगे ना अपना स्वभाव, अपना विचार, अपना तरीका, तो सामने वाला ऑटोमेटिक चेंज हो सकता है। और मैं कहता हूँ ना, 80% 90% आपको कम्युनिकेशन में तकलीफ आएगा ही नहीं, क्योंकि जब हम जागृत होंगे ना तभी ये सामने वाले का ट्रिगर दबेगा ही नहीं। तो कोशिश करो, जैसे घर में रोज रोज के छोटा मोटा होता रहता है उसमें, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है। फक्त आपको ऑब्जर्वेशन करना था कि हमारा ट्रिगर कहाँ दबता है, उसके लिए मैंने 48 आवर्स का टाइम दिया था। सेम यही चीज विपस्ना मेडिटेशन करेंगे, विपस्ना में भी देखना है। और आज मैंने एक छोटा सा ऑडियो भी डाला था, बुद्ध की कहानी थी, वो भी काफी लोगों ने सुनी। किसी ने सुना क्या? हाथ ऊपर करेंगे। ओके, नहीं सुना है तो वापस सुन लेना, बहुत बढ़िया कहानी है बुद्ध की, देखना है। और विपस्ना ध्यान पूरा बुद्ध के ऊपर ही है तो देखना है। उसके पहले एक 12 मिनट का बहुत सारा विचार के ऊपर, यहाँ पे रश्मि बेन ने एक बार सवाल किया था कि विचार बहुत आते हैं क्या करूं, है ना? उसके ऊपर एक 12-13 मिनट का बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आज हमने सोचा कि वो मुख्य पॉइंट है। तो 13 मिनट्स का ये कैसेट लगाएंगे। विचार को हम इकट्ठा ना करें, विचार कैसे कैसे हमारे अंदर हावी होता है। हम रात को सोते हैं तो भी विचार हमको परेशान करते हैं। तो वो आपको अगर कड़ी मिल जावे, आपको सूत्र मिल जावे, तो विचार धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं, और बाद में धीरे धीरे ध्यान में आपको गहराई धीरे धीरे बढ़ेगी। कैसेट में एक पहले 1-2 मिनट कैसेट थोड़ा सा खराब है, लेकिन आप सब्र रखो, उसके बाद कैसेट सही है। एक एक शब्द चूकना मत, बहुत बढ़िया बताता है, सुनना।
मैं इसमें आपका म्यूट किया है मैंने, क्योंकि वो ट्रैफिक का आवाज आता है ना उसकी। कैसेट में ही आवाज है, 2 मिनट आप मन की दशा मधुमक्खियों के छेड़े गए छत्ते की भांति मनुष्य के मन की दशा है। विचार और विचार और विचार और विचारों की ये भिनभिनाहट मक्खियों की तरह मनुष्य के मन को घेर गए। इन विचारों में घिरा हुआ मनुष्य अशांति में, तनाव में और चिंता में जीता है। जीवन को जानने और पहचानने के लिए मन चाहिए एक झील की भांति शांत, जिस पर कोई लहर न उठती हो। जीवन से परिचित होने के लिए मन चाहिए एक दर्पण की भांति निर्मल, जिस पर कोई धूल न जमे। और हमारे पास मन है एक मधुमक्खियों के छत्ते की भांति, न तो वो दर्पण है न वो एक शांत झील है। और ऐसे मन को लेकर अगर हम सोचते हो कि हम कुछ जान सकेंगे, हम कुछ पा सकेंगे या हम कुछ हो सकेंगे, तो हम बड़ी भूल में। विचारों की इस अति तीव्र धारा से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। विचार और विचार और विचार स्वास्थ्य के लक्षण नहीं, रुग्ण चित्त की दशा है। जब किसी का मन परिपूर्ण रूप से शुद्ध और स्वच्छ होता है और स्वस्थ होता है, तो विचार शून्य हो जाते हैं, विवेक शेष रह जाता है और विचार शून्य हो जाते हैं। और जब कोई मन अस्वस्थ और बीमार होता है, तो विवेक शून्य हो जाता है और केवल विचारों की भीड़ रह जाती है। हम विचारों की भीड़ में ही जीते हैं। सुबह से सांझ से सुबह, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम विचारों की एक भीड़ में ही जीते। इस भीड़ से कैसे मुक्त हुआ जाए? सुबह कुछ बातें हमने की हैं, कुछ उस संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं अभी उत्तर दूंगा। पहली बात, विचारों से मुक्त होना दूसरा कदम है। पहला कदम तो यह है कि हम विचारों का संग्रह न करें, क्योंकि एक आदमी एक तरफ विचारों का संग्रह करता चला जाए और दूसरी तरफ विचारों से मुक्त होना चाहे तो कैसे मुक्त हो सके? एक आदमी वृक्ष के पत्तों से मुक्त होना चाहे और वृक्ष की जड़ों को पानी पिलाता चला जाए तो कैसे वृक्ष के पत्तों से मुक्त हो सके? लेकिन जड़ों को पानी पिलाते वक्त हमें ये ख्याल में नहीं आता कि जड़ों और पत्तों का कोई संबंध, कोई गहरा संबंध। जड़ अलग मालूम होती है, पत्ते अलग मालूम होते, लेकिन पत्ते जड़ों से अलग नहीं। और जड़ों को दिया गया पानी पत्तों को ही मिलता है। तो विचार हम संग्रहित करते हैं और विचार की जड़ों को पानी देते हैं, और फिर जब विचार बहुत मन को बेचैन और अशांत करते हैं तो हम उनको शांत करने का उपाय भी करना चाहते हैं। इसके पहले कि किसी वृक्ष में पत्ते आने बंद हो जाएं, हमें उसकी जड़ों को पानी देना बंद कर देना होगा। हम विचारों की इस भीड़ को पानी देते हैं, वो हमें समझ लेना चाहिए कि हम किस भांति पानी देते हैं। और अगर वो हमें समझ में आ जाए तो हम पानी देना बंद कर देंगे, फिर वृक्ष के कुंडला जाने में बहुत देर नहीं। किस तरह हम पानी देते हैं? पहली बात, हजारों वर्ष से आदमी के मन में ये भ्रम पैदा किया गया है कि तुम दूसरों के विचारों को संग्रह करके ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। ये सरासर झूठी और एकदम गलत बात।
कोई मनुष्य किसी दूसरे के विचारों के संग्रह से कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। ज्ञान आता है भीतर से और विचार आते हैं बाहर। ज्ञान होता है अपना और विचार होते हैं हमेशा पराए, हमेशा बारोल, हमेशा उधार। ज्ञान है निज की स्फुरना, वो जो स्वयं के भीतर छिपा है उसका प्रकट हो जाना, और विचार है दूसरों की जूठन को इकट्ठा करना, चाहे गीता से इकट्ठा कर ले, चाहे कुरान से, चाहे बाइबल से, चाहे धर्म गुरुओं से इकट्ठा कर ले, चाहे शिक्षकों से। जो भी हम दूसरे से इकट्ठा कर लेते वो हमारा ज्ञान नहीं बनता, बल्कि वो हमारे अज्ञान को छिपाने का मार्ग और उपाय बन जाता। और जिस आदमी का अज्ञान छिप जाता है वो आदमी जीवन में कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। चूंकि हमें ये ख्याल है कि ये हमारा ज्ञान है, इसलिए इसे हम प्राणपण से पकड़े रहते हैं। विचारों को हम पकड़े हुए हैं, हम उन्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। नीचे से हम उनको संभाले हुए, क्योंकि हमें ये ख्याल है यही हमारा ज्ञान है, अगर ये छूट गए तो हम तो अज्ञानी हो जाए। लेकिन स्मरण रखिए, विचारों को कोई कितना ही पकड़े रहे उससे ज्ञानी नहीं होता। एक आदमी एक कुआं बनाता है, जमीन खोदता है, पत्थर निकालता है, मिट्टी निकालता है, और फिर नीचे झरने फूटते हैं कुएं के और कुएं में पानी भर जाता है। कुएं में पानी मौजूद था, पानी कहीं से लाना नहीं पड़ा, केवल बीच में कुछ पत्थर और मिट्टी की परतें थी उनको अलग कर देना पड़ा। कोई अवरोध थे, कोई बाधाएं थी उनको अलग कर दिया और पानी प्रकट हो गया। कुएं में पानी लाना नहीं पड़ता, पानी आता है, लेकिन जो चीज बीच में रुकावट थी उसको दूर कर देनी है। ज्ञान भीतर मौजूद है, उसे कहीं से लाना नहीं, उसके झरने भीतर छिपे, केवल बीच की बाधाएं पत्थर और मिट्टी अलग कर देनी है खोद के, और फिर ज्ञान के झरने प्रकट होने शुरू हो जाए। लेकिन कुआ भी बनता है और हौज भी बनती, हौज के बनने का रास्ता अलग है। हौज बनाने में कहीं झरने नहीं खोजने पड़ते पानी के, हौज बनाने का रास्ता कुएं से बिल्कुल विपरीत। हौज बनाने के लिए मिट्टी पत्थर खोदने नहीं पड़ते, लाके जोड़ने पड़ते, और मिट्टी पत्थर की दीवार उठानी पड़ती, फिर दीवार भी बन जाती लेकिन पानी नहीं आता, फिर किन्हीं दूसरों के कुओं से पानी उधार लाके उस हौज में भर लेना पड़ता। ऊपर से देखने पर हौज कुएं का धोखा देने लगती है, ऐसा लगता है कि कुआ आ गया। हौज में पानी दिखाई पड़ता है, कुएं में भी पानी दिखाई पड़ता है, लेकिन हौज और कुएं के पानी में जमीन आसमान का फर्क है। पहला फर्क तो यह है कि हौज के पास अपना कोई पानी नहीं, और जो पानी अपना नहीं उस दुनिया में कभी कोई प्यास नहीं। हौज के पास जो भी है उधार है, और उधार बहुत जल्दी बासा हो जाता है और सर जाता है, क्योंकि जो उधार है वो जीवंत नहीं होता, वो मृत है। हौज अगर भरी रहेगी तो सर जाएगी, बहुत जल्दी बदबू फेंकने लगेगी, लेकिन कुएं के पास अपने जल के स्रोत होते, कुआं सड़ नहीं जाता, और कुएं के पास अपना पानी होता है। इसलिए हौज और कुएं के प्राणों में दो अलग प्रक्रियाएं चलती हैं। हौज चाहती है कि मेरे पानी को कोई छीन ना ले, क्योंकि मेरा पानी गया कि मैं खाली हो जाऊं, और कुआं चाहता है कि कोई मेरे पानी को उलीच ले, कोई मेरे पानी को ले ले ताकि मुझ में और नया पानी भर जाए, ताजा और ज्यादा जीवन। कुआं पुकारता है कि मेरे पानी को ले लो और बांट लो, और हौज पुकारती है कि दूर रहना, मेरे पानी को मत छूना, मेरे पानी को मत ले। हौज चाहती है किसी के पास पानी हो तो वो भी यहाँ ला के डाल दो मुझ में ताकि मेरी संपदा बढ़ जाए, और कुआं चाहता है किसी के पास पात्र हो तो पानी ले जाए ताकि जो पानी बासा पड़ गया है, बहुत दिन का भरा हुआ हो गया, उससे मैं मुक्त हो जाऊं और नया पानी मुझे उपलब्ध हो जाए। कुआं बांटना चाहता है, हौज संग्रह करना चाहती है। कुएं के पास झरने हैं जो सागर से जुड़े, कुआं तो है लेकिन गहरे में अनंत से जुड़ा हुआ है। हौज कितनी बड़ी दिखाई पड़ती है उसका संबंध किसी से भी नहीं है, वो अपने में ही समाप्त है और बंद। उसके पास कोई झरने नहीं है, कोई उसके पास कोई दूर से जोड़ने वाले कोई मार्ग नहीं।
इसलिए अगर कोई हौज से जाके कहे कि सागर भी होता है, हौज हंसे भी कहे कि कहीं सागर होता है, तब हौजे होते, कहीं कोई सागर नहीं, क्योंकि हौज को सागर का कोई पता नहीं। लेकिन अगर कोई कुएं से कहे कि कुआ तो बहुत अच्छा है, तो कुआ सोचेगा कि मेरा अपना क्या है, सब सागर का मैं हूं का, मेरे पास जो भी आता है वो दूर किसी और से जुड़ा है। कुएं का अपना कोई अहंकार नहीं हो सकता कि मैं हूं, हौज का अपना अहंकार होता है कि मैं हूं। और बड़े मजे की बात है, कुआ बहुत बड़ा है, हौज बहुत छोटी है। कुएं के पास अपनी संपदा है और हौज के पास अपनी कोई संपदा नहीं। आदमी का मन भी कुआ बन सकता है या हौज बन सकता है, दो ही रास्ते आदमी की बुद्धि के बन जाने के। और जिस आदमी की बुद्धि हौज बन जाती है, वो आदमी धीरे धीरे पागल हो जाता है। हम सबकी बुद्धि हौज बन गई, हमने कुआ बनाया नहीं, हमने हौज बनाई। हम दुनिया भर से बातों को इकट्ठा कर लेते हैं, किताबों से, शास्त्रों से, उपदेशों से, और हम सबको इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं हम ज्ञानी हो गए, हम हौज की गति में पड़ गए और समझ ली कि हम कुआ हो गए। भ्रम पैदा हो सकता है क्योंकि दोनों में पानी दिखाई पड़ता है। एक पंडित के पास भी ज्ञान दिखाई पड़ता है, एक ज्ञानी के पास भी ज्ञान दिखाई पड़ता है, लेकिन पंडित हौज है और ज्ञानी कुआ है, दोनों में फर्क। और ये फर्क इतना गहरा और बुनियादी है जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि पंडित का ज्ञान उदार और बासा और सड़ा हुआ ज्ञान दुनिया में जितना उपद्रव हुआ है वो पंडित के ज्ञान से हुआ है। हिंदू और मुसलमान के बीच जो झगड़ा है वो किसका झगड़ा है, वो ज्ञानियों का झगड़ा। जैन और हिंदू के बीच जो विरोध है वो दो ज्ञानियों का विरोध, वो पंडितों का विरोध, वो उन मस्तिष्कों का विरोध है जो हौज से सड़े हुए उधार और बासे। सारी दुनिया में इतना उपद्रव हुआ है, हौज बन गए मस्तिष्कों के कारण। नहीं तो आदमी है दुनिया में, ना कोई ईसाई है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई जैन। लेकिन हौजों के लेबल है, क्योंकि जिस हौज ने जिस कुएं से पानी उधार भरा है, वो उसी कुएं का लेबल अपने पे चिपकाए हुए है कि मैंने तो गीता से पानी लिया है तो मैं हिंदू, मैंने कुरान से पानी लिया है तो मैं मुसलमान। लेकिन ज्ञानी तो किसी से पानी लेता नहीं, पानी उसके भीतर से आता है, परमात्मा से आता है, इसलिए न वो हिंदू हो सकता, न वो मुसलमान हो सकता, न वो ईसाई हो सकता। ज्ञानी किसी संप्रदाय का नहीं हो सकता, लेकिन पंडित बिना संप्रदाय के होना असंभव। पंडित जब भी होगा संप्रदाय का ही होगा। हमने अपने मन को एक बासी उधार चीज बना दी, फिर इसको हम पकड़ते हैं। जैसा मैंने कहा, और चिल्लाती मेरे पानी को मत छीन लेना, पानी गया तो मैं खाली और रिक्त और एम्प्टी हो जाऊंगी, मेरे भीतर से कुछ भी नहीं बचेगा। मेरी संपदा तो उधार इकट्ठी की हुई है, इसलिए कोई छीन ना ले। और स्मरण रहे, जो संपदा छीनने से कम हो जाती हो वो हमेशा उधार और झूठी होती, जो संपदा छीनने से और बढ़ जाती हो वही संपदा केवल सत्य होती। जो संपत्ति बढ़ जाने से समाप्त हो जाती है वो संपत्ति ही नहीं केवल संग्रह है, और जो संपत्ति बढ़ने से और बढ़ जाती हो वही संपत्ति। संपत्ति का लक्षण ही है कि वो बढ़ने से बढ़नी चाहिए, बढ़ने से घटती हो तो वो संपत्ति नहीं। और जिस संपत्ति में ये भय है कि ये बढ़ने से घट जाएगी, उसको संभालने में इतनी विपत्ति पैदा हो जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो सब उधार संपत्ति विपत्ति बन जाती है, संपत्ति कभी भी नहीं बन पाती। फिर डर पैदा होता है कि कहीं घट ना जाए तो हम उसे जोर से पकड़ते हैं। हम अपने विचारों को जोर से पकड़े हुए हैं, हम उनको प्राणों से भी ज्यादा संभाले हुए हैं। ये मन में जितना कचरा इकट्ठा हो गया है ये आकस्मिक नहीं है, ये हमने योजना की है, इसको इकट्ठा किया है और इसको संभाले हुए। अगर हम ये सोचते हो कि विचारों के संग्रह से ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, तो हम विचारों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। कैसे मुक्त हो सकेंगे, जड़ों को पानी देंगे और पत्ते काटेंगे, ये नहीं हो सकता। इसलिए पहली बुनियादी बात ये समझ लेनी जरूरी है कि ज्ञान बात ही अलग है और विचारों का संग्रह बिल्कुल ही अलग बात है। संग्रह ज्ञान नहीं, दूसरों से लिए गए विचार ज्ञान नहीं, दूसरों से इकट्ठे किए गए विचार मनुष्य को सत्य के या स्वयं के निकट नहीं ले जाते।
आज से 42 साल पहले जब ही ओशो की काफी शुरुआत हुई थी और महेश भाई जो अपना महेश भाई सत्यार्थी उसका नाम है, 42 साल पहले उसने ओशो के हाथ से दीक्षा ली है, संन्यास लिया है बोलते है। तो आज सोचो 42 साल से वो बांट रहा है, उसने कभी रुपया के प्रति पैसे के प्रति इतना भागदौड़ नहीं की, तो रियली ग्रेट है कि वहां यहाँ भी वो कुछ अपने को देने के लिए आ रहे। जैसा होज आपने समझा होगा, होज और कुआ का संबंध जो बताया, वो प्यार बांटने के लिए अपने यहाँ आते है। हम लोग भी महेश भाई और मैं हम अपना अनुभव जोड़ के करते है ताकि वो चीज हमारा हो जाता है, मतलब अनुभव में उतारने के बाद हम लोग को ऐसा लगता है कि ये चीज किसी को काम आ सकती है। महेश भाई कमलेश भाई धन्यवाद। आज आपने कुछ किताब के पन्ने खोल दिए हैं। ओशो यानी एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व। एक छोटी सी गुजराती पंक्ति मैंने तभी भी ओशो के लिए लिखी थी, आज से 45-50 साल पहले, ये बातें करीबन 1980 के आसपास थी। उग्या अनंत पुष्पो समय नी धरामा, उग्या अनंत पुष्पो समय नी धरामा, ए सर्वे नु बनावी अत्तर बुद्धत्व पीरस्यु जेने जगत ने, वंदन करू छू कर जोड़ी ए पथना प्रदीप ओशो ने। हजारों वर्षों के इतिहास में, मनुष्य के इतिहास में, जो भी ज्ञानी पुरुष, बुद्ध पुरुष, अर्यन, तीर्थंकर हो गए, उन सबकी वाणी पे ओशो ने प्रवचन दिए हुए हैं। सिर्फ भारत के ही नहीं, विश्व भर के जो भी ज्ञानी पुरुष, बहुत से लोगों का ऐसा नाम तो भारत में किसी ने सुना भी नहीं था आज से 50 साल पहले, जैसे लाओत्सु, चांगत्सु, हीराक्लोटस, पेराक्लाइटस, ये सब नाम, पाइथागोरस, इन सभी को बोल के उन्होंने करीबन 700 पुस्तकें उनके हुए हैं और करीब 10,000 प्रवचन दिए हैं। तो ओशो के बारे में आज विपत्ना ध्यान करेंगे। उससे पहले ओशो के बारे में एक काव्य मैंने 1990 में लिखा था, वो आपके सामने रजू कर रहा हूं। उसके बाद हम सीधे ध्यान पे जाएंगे आप, क्योंकि दुनिया भर में आज ओशो के जितने पुस्तक पढ़े जा रहे हैं या ओशो के बारे में सब लेखक, मनीषी, जयंती, साधु संत, मुरारी बापू, अन्य सभी लोग या फिल्म इंडस्ट्री सब आज ओशो की बात करते हैं। आप अगर कोई पेपर निकालेंगे, गुजरात समाचार है, कोई भी पेपर, तो कम से कम हर संडे को आपको ओशो के बारे में आर्टिकल, ओशो के लिखे हुए आर्टिकल दिखाई देंगे। लेकिन तभी वो समय था कि परंपरागत मानने वालों ने उनका बहिष्कार किया, उनका विरोध किया। और ये अक्सर होता है, पहले भी ऐसा हुआ था, बुद्ध के साथ, महावीर के साथ भी, कृष्ण के साथ भी यही हुआ है। तो एक मैंने काव्य लिखा था, महावीर बुद्ध कृष्ण की धरती भारत जैसा देश, महावीर बुद्ध कृष्ण की धरती भारत जैसा देश, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी जैसे विश्व के प्रदेश, सह न पाया उनकी हस्ती कैसा दुर्भाग्य का केस, अब नए नाम से जाने गए हैं ऐसे व्यक्ति विशेष। पहले उनका नाम आचार्य रजनीश था, फिर धीरे धीरे उनका नाम चेंज होते हुए लास्ट में अब ओशो नाम से जाने जाते पूरे विश्व में। नए नाम से जग प्रसिद्ध हुए ऐसे व्यक्ति विशेष, तब जब सब व्यर्थ है, तब जब सब व्यर्थ है जो शून्य का अनुभव नहीं, जीवन घोर अंधकार है जो ज्ञानी का संसात नहीं, बंद आंख रहे ध्यान, आंख खुले तो प्रेम, ओशो रजनीश की वाणी का यह है विश्व संदेश, यह है विश्व संदेश। उनके 700 पुस्तकों का अगर सार बोला जाए तो दो ही सार है, जैसे उन्होंने आज बोला, भीतर देखे तब ध्यान मग्न रहे, ध्यान को परम सीमा पे वो ले गए, जो बात महावीर बुद्ध ने की थी उस बात को उन्होंने परम सीमा तक पहुंचा दिया। और आज के युग में मनुष्य की सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है वह है ध्यान। बंद आंख रहे ध्यान, आंख खुले तो प्रेम। अगर आंख बंद है तो आप ध्यान मग्न रहो, माने विचार को कम करो, निर्विचार की अवस्था प्राप्त करो।
और जब आंख खुली रहे संसार के भीतर, संसार के प्रति, तो आपका जीवन प्रेममय हो। ये ओशो के 700 पुस्तकों का सार है। कभी पढ़े, बहुत से विवादास्पद बातों भी उन्होंने की है, लेकिन उन्होंने जो दिया है वो अतुट खजाना ऐसे समझ लो हमारे लिए। कम से कम हर मनुष्य की चेतना को ऊपर ले जाने के लिए उन्होंने सब बातें कही है। अपना 40 वर्ष का वही उन्होंने सार दिया है। इस बात के साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ मेरी बात को, हम विपश्यना ध्यान में जाएंगे। आज का ध्यान प्रयोग गोयनका जी का है, राइट? यस भाई, यस यस। यह ध्यान प्रयोग है वो सत्यनारायण गोयनका, उनके बारे में भी आपने जोगा होगा। गोराई में उनका बहुत बड़ा पैगोडा है जहाँ 10,000 आदमी लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं। इगतपुरी में बहुत बड़ा सेंटर है उनका, मेन सेंटर इगतपुरी में, और बाकी दुनिया भर में है। उनकी ध्यान पद्धति बर्मा से आई हुई पद्धति है। जो विपश्यना ध्यान है वो भी, उसकी भी पद्धति सब जगह अलग अलग है। कुछ लोग इस पद्धति से ध्यान करते हैं, तो वो बर्मा में रहते थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, और उन्होंने अपने सब दुखों, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उनका पूरा जीवन बिजनेस छोड़ के उस इस साधना पद्धति का प्रचार में लगा दिया। आज वे नहीं है, लेकिन उनकी विपश्यना ध्यान पद्धति को हम आज प्रयोग करेंगे 30 से 35 मिनट। यस, धन्यवाद। इसमें हिंदी में रहेगा काफी, वो इंस्ट्रक्शन साथ में रहेगा। कुछ शब्द ऐसा आएगा अनित्य, तो आपको शायद किसी ने नहीं भी सुना होगा, जो टिपिकल हिंदी रहता है उनका। तो अनित्य मतलब कोई भी चीज फिक्स नहीं है, दुख या सुख अनित्य है, आएगा और चला जाएगा। तो कुछ शब्द ऐसा है, नहीं समझ में आए तो भी उसके ऊपर ध्यान मत दो, आप आगे बढ़ते जाओ। फक्त श्वास के ऊपर ध्यान देना है, जो बोलता है वो हिसाब से। आंखें बंद, शरीर एकदम सीधा शिथिल, 30 मिनट्स आंख बंद कर देंगे। शांत चित्त से शांत चित्त से सजग चित्त से काम शुरू करें। मन विचलित हो तो थोड़ी देर आनापान का अभ्यास कर लें, अन्यथा विपश्यना का काम शुरू कर दें। आनापान मतलब श्वास अंदर लेना है, श्वास बाहर लेना है, उसको देखना है, उसको आनापान कहते। मन खूब एकाग्र हो, एकाग्र हो, एकाग्र हो। सांस को जाने या संवेदना को जाने और मन को एकाग्र करें, एकाग्र करें।
ये आरंभ हुआ और ये अंत हुआ, ये एक एक सांस के पूरी पूरी जानकारी मन खूब सजग रहे, शांत चित्त से, सजग चित्त से, संत भरे चित्त से विपश्यना शुरू करते हैं। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, सारे शरीर का निरीक्षण करना है। शरीर के अंग अंग में से मन गुजरे, शरीर का कोई अंग अछूता न रह जाए, अंगे का अनजाना न रह जाए। अंग प्रत्यंग में से मन गुजरे, और वो इसलिए कि अंग प्रत्यंग की संवेदना महसूस होती रहे। शरीर के अंग अंग में जहां जहां जैसी जैसी संवेदना हो रही हो, उसे जानना है, केवल जानना है। कोई प्रतिक्रिया न हो जाए, कोई प्रतिक्रिया न हो जाए, बस केवल जाने। जैसे सांस को केवल जान रहे थे, वैसे ही संवेदनाओं को केवल जाने। न सांस को अच्छा मानते थे, न बुरा मानते थे, न सांस के प्रति राग जगाते थे, न द्वेष जगाते थे। इसी प्रकार किसी भी संवेदना को न अच्छा माने, न बुरा माने, न उसके प्रति राग जगाए, आसक्ति जगाए, और न उसके प्रति द्वेष जगाए। केवल जानना है, तटस्थ भाव से जानना है।
भोग का भाव जरा सा भी आने ना पाए, भोग का भाव नष्ट हो, तटस्थ भाव पुष्ट हो, और ये तभी होगा जब कि समझते रहेंगे कि असंवेदना चाहे जैसी हो, असंवेदना का एक ही स्वभाव है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, परिवर्तनशील है, बदलती ही रहती है, जो बदलती रहती है उसके प्रति क्या राग जगाएं, क्या आसक्ति जगाएं, जो बदलती रहती है उसके प्रति क्या द्वेष जगाएं, होश ही आ गए, अनित्य बोध ही जागे, प्रज्ञ ही जागे, फिर मन में होश रखें, मन को दृढ़ रखें, भटकने न पाए, मन जरा सा भी भटकने न पाए, भटकने लगा के होश आया, कोई विचार आरंभ हुआ कि होश आया, भटक गया तो जल्दी से जल्दी होश आ गया, शीघ्र से शीघ्र होश आ गया, मन के मालिक बनना है, मन का गुलाम नहीं, केवल संवेदना ही संवेदना का ज्ञान, उसके अनित्य स्वभाव का ज्ञान, संता की पुष्टि, यही कर
करना है। जो संदेह करना है बस जान लिया और आगे बढ़ गए, जान लिया आगे बढ़ गए। उसे अच्छा माना, न उसे बुरा माना, न उसके प्रति राग जगाया, आसक्ति जगाए और न उसके प्रति द्वेष जगाया। संवेदना अनुभव हो रही है बस इतना ही, और संवेदना संवेदना है। शरीर पर जो कुछ अनुभव होता है उसी को संवेदना कहते हैं। तो महसूस हो रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है, बस इतना ही। क्या अनुभव हो रहा है उसका कोई नामकरण भी नहीं करना। कुछ अनुभव हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है उसका स्वभाव अनित्य है, नश्वर है, वह नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है। बस इतना होश बना रहे तो समता पुष्ट होती ही जाएगी। समता पुष्ट होगी तो ही मानस निर्मल होता जाएगा, मानस का स्वभाव पलटता जाएगा। सुखद के प्रति राग जगाने वाला स्वभाव, दुखद के प्रति द्वेष जगाने वाला स्वभाव पलटता जाएगा, पलटता जाएगा। द्वेष भी बिना राग के, बिना द्वेष के केवल जानना है, केवल जानना है। शरीर के भीतर ही भीतर कोई बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है तो संवेदना महसूस हो रही है, और ये जो बदलाव आ रहा है
उसे न अच्छा मानते हैं न बुरा मानते हैं, केवल जानते हैं संवेदनाओं का अनुभव हो रहा है और उसे केवल जाना जा रहा है। न सुखद का सुख भोगना है न दुखद का दुख भोगना है, केवल जानना है। भाव नष्ट करना है, तटस्थ भाव पुष्ट करना है, जैसे सांस ही सांस वैसे संवेदना ही संवेदना। कोई विचार जागने न पाए, जागे तो मन को फिर संवेदना पर। संवेदनाएं तो होती ही रहती है, प्रतिक्षण होती रहती है, अंग अंग में होती रहती है, अणु अणु में होती रहती है। हमारा काम केवल जानना है, केवल जान कर रह जाना है। हो सकता है किसी किसी को कभी कभी सारे शरीर में अथवा शरीर के किसी किसी अंग में स्थूल ही स्थूल संवेदना मिलती हो, घनीभूत ही घनीभूत संवेदना मिलती हो, अप्रिय ही अप्रिय संवेदना मिलती हो, दुखद ही दुखद संवेदना मिलती हो, तो इसके कारण कहीं द्वेष न जग जाए, कहीं देश न जग जाए, मन प्रसन्नता से भर जाए, प्रसन्नता से भर जाए, मेरा बड़ा कल्याण हुआ। जो दुखद संवेदना जागी
अन्यथा दुखद के प्रति द्वेष लाने का स्वभाव कैसे दूर होता है। दुखद संवेदना ही नहीं जागी तो उसके प्रति द्वेष लाने वाला स्वभाव कैसे नष्ट कर पाता। बड़ा कल्याण हुआ मेरे लिए, बड़ा सौभाग्य का अवसर आया कि न जाने कितने जन्मों से द्वेष 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 का स्वभाव पुष्ट करता आया पुष्ट करता आया। अरे अब तो विपश्यना मिल गई और ये दुखद संवेदना भी चाहते ही यही तो अवसर है कि द्वेष चलने न दो जगने न दो। तो द्वेष जगाने वाला स्वभाव क्षीण होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। बड़ा कल्याण हुआ इन दुखद संवेदनाओं का अभिनंदन है, उनका स्वागत है। मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुई है, मेरे भले के लिए प्रकट हुई है, मुझे द्वेष मुक्ति देने के लिए प्रकट हुई है, मुझे इन दुखद संवेदनाओं का पूरा पूरा लाभ उठाना है। खूब समझदारी के साथ पूरा पूरा लाभ उठाना है। कितने ही दुखद क्यों न हो, ये अनंत काल तक बने रहने वाले नहीं है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है। ये होश जागता रहे, ये होश जागता रहे, तो द्वेष मुक्ति मिलती रहे, द्वेष मुक्ति मिलती रहे, द्वेष मुक्ति मिलती रहे। दो मिनट आंख बंद करके बैठेंगे, एकदम शांत।
इस जगत के सब दुखिया रे प्राणी का मंगल हो रे जल में सन में और गगन में सब का मंगल हो रे अंतर मन के गाथे टूटे अंतर निर्मल होए रे राग द्वेष और मोह मिट जाए शीन समाधि होए रे शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे इस धरती के तर दिन में कण कण में धर्म समोए रे शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे अभी मेडिटेशन कल नहीं है परसों है परसों फेसबुक पे लाइव होएगा 5 से 6 शाम को थैंक यू